जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज यूं कहूं कि गरजे और बड़ी हुंकार भरते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, क्या लगता है कि क्या एक तरफ विपक्ष का हा हुल्ला और मांग, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इस तरीके का मोर्चा खोलना, क्या समस्या का समाधान निकलेगा या वार और वार के बाद पलटवार यही चलता रहेगा? देखिए मारूफ रजाक जी, आपकी बातों का जवाब बहुत आसान है, उसमें कोई किसी टाइप का कोई कहने का मतलब भी नहीं दूसरी बातों को जोड़ने के लिए। देखो देश प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उसे सारी जनता को बताने के लिए लोकसभा में आए, उसी तरह की बातों बताने के लिए राज्यसभा में आए, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देते हुए जैसे किस तरह सारे विपक्ष ने हा हुल्ला क्या वॉकआउट किया, ये एक बहुत बहुत बुरी मतलब परंपरा है, ये एक सदन की बहुत ही मतलब बेइज्जत करने वाली बात है। यदि वो सदन में बैठते और राष्ट्रपति जी की सारी बातों को सुनते और बाद में अपने नंबर वाइज सभी अपने कमेंट देते या उनकी कमियां बताते तो कितना अच्छा लगता, वो सारे देश को पता लगता, सब देश जानता। लेकिन आप कैसे पता बताइए आप उसमें कोई कमी थी या नहीं थी, या जितने राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण जो दिया वहां पे, या सारे काम ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। मतलब ये विपक्ष को तो इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बहुत बड़ी क्या कहना किसके लिए, मेरे पास तो कोई डिक्शन में कोई शब्द नहीं है कि इतनी बड़ी सदन की मानहानि की है। अच्छा। इसके लिए तो मैंने आज भी फेसबुक पर डाला है कि भाई जो भी पार्टी हो जो भी सदस्य हो सदन की या लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करता है, चाहे कोई पार्टी हो या कोई सदस्य हो, उसको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और बल्कि ऐसा प्रावधान सख्त से सख्त होना चाहिए कि ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको लोकसभा या राज्यसभा में भी नहीं बैठना देना चाहिए। अच्छा। मतलब ये एक बहुत बड़ी मतलब गलत परंपरा पैदा करती है इस विपक्ष में, ये गलत बात है, मतलब ऐसा